कराची लियाकताबाद 4 नंबर निरंग सिनेमा के करीब नामालूम सिमत से गोली लगने से एक नौजवान जख्मी, अबासी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी होने वाले नौजवान की शनाख्त मोहम्मद जुहेब वल्द मोहम्मद अनवर उम्र 18 साल। गोजर खान और नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 15 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुतला जज्वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद रात में आंधी और पत्थर बूंदाबांदी हुई, जिसके सबब कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई, जबकि गोजर खान और नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 15 अफराद जख्मी हो गए। कराची घर में गैस लीकेज धमाके से खवातीन व बच्चों समेत 8 अफराद झुलस गए। घर में गैस लीकेज के 22 जोरदार धमाके से बच्चों और खवातीन समेत 8 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। सोल्जर बाजार नंबर 1 के करीब घर में गैस लीकेज के 22 जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों में 45 साल मोहम्मद मूसा, उसकी अहलिया 40 साल राबिया मूसा, 10 साल नवीद मूसा, 8 साल रफीक मूसा, 20 साल गुलशन मूसा, 15 साल रोशनी मूसा, 11 साल अमरीन मूसा, 12 साल नसरीन शामिल हैं। पेशावर में लोड शेडिंग से तंग आवाम ने खुद ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली खोल दी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जहां बिजली की बंदिश से तंग शहरियों ने ग्रिड स्टेशन में घुसकर खुद बिजली बहाल कर दी। पेशावर के शहरियों ने बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ रुकन सूबाई फजल इलाही की क्यादत में 1000 खानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज किया, जहाँ एहतजाज के दौरान इलाका उमायदीन और दीगर रिहायशी ग्रिड स्टेशन के अंदर मौजूद रहे। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल अहले इलाका ने ग्रिड स्टेशन से खुद बिजली बहाल कर दी। खबर शामिल करते हैं कराची से। ज़िला मलीर के भैंस कॉलोनी थाना सुखन पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस पर अरोड नंबर 4 भैंस कॉलोनी में गुटखा मावा बेचने वाले पर छापा मारकर गुटखा मावा के 128 पैकेट कुछ खाम माल बरामद करके अदनान वल्द अब्दुल कादिर नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घर में मौजूद ना होने की वजह से असल हदफ शहजाद को पकड़ा नहीं जा सका।